प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर जिसको बोलते हैं। यूँ तो इंदौर में कई सारे हनुमान जी के मंदिर है जो कि फेमस है, बट ये काफी दिनों बाद मैं आपके लिए ब्लॉग लेके आया हूँ। मुझे टाइम का काफी इश्यू हो गया था इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट मैं आज आपके लिए इंदौर की एक बेस्ट लोकेशन का ब्लॉग लेके आया हूँ। तो वो लोकेशन कौन सी है मैं जल्दी आपको बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विजिट इंडिया विद शुभम, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इंदौर की सारी बेस्ट लोकेशन आती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं अभी आया हूँ इंदौर के एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर जिसको बोलते हैं। यूँ तो इंदौर में कई सारे हनुमान जी के मंदिर है जो कि फेमस है, बट ये क्यों फेमस है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये स्पेशली पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ पर आने से आपके सारे कष्टों का निवारण हनुमान जी तुरंत कर देते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पर है, कैसा है, और यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी गौशाला भी है जिसमें आप गौ सेवा कर सकते हो। तो चलिए भाई फटाफट मंदिर कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ, पूरा मंदिर का परिसर दिखाता हूँ। भाई ये मंदिर आपको आने के लिए आपको आना पड़ेगा विजयनगर से आप देवास नाका साइड जाते हो तो ये मंदिर आपको रास्ते में पड़ता है। ये पूरा मंदिर के बाहर का परिसर है, यहाँ पे आप प्रसाद फूल माला जो भी लेना चाहो ले सकते हो। चलिए अब जल्दी से हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। तो भाई मैं आपको यहाँ पे गौशाला के दर्शन कराता हूँ, और आपको यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के साथ साथ गौशाला में सेवा करने का भी मौका मिलेगा। इसी ही बेस्ट लोकेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट इंडिया विद शुभम, क्योंकि भाई आपके लिए यहाँ पे मैं इंदौर की सारी बेस्ट लोकेशन आपको दिखाता हूँ। भाई यहाँ बहुत छोटी छोटी सी गौ माता है। तो भाई यह है मंदिर की पूरी गौशाला, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नन्नी नन्नी सी गौ माता हैं। यदि आप इंदौर से हो तो भाई यहाँ इस मंदिर में जरूर आना, स्पेशली हनुमान जी का मंदिर होने के साथ साथ आपको यहाँ पर गौ सेवा करने का भी मौका मिलता है। यदि भाई आप इंदौर से हो या कहीं से भी इंदौर आते हो तो ये मंदिर ज़रूर आना, यहाँ पे आपको बहुत सुख शांति मिलने वाली है, माहौल भी बहुत भाई प्यारा होता है यहाँ का, और एक अलग ही वाइब्स आती है यहाँ पे आने से। छोटी सी गौ माता देखो भाई कितनी क्यूट सी है।
तो चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इंदौर की ऐसी ही बेस्ट लोकेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट इंडिया विद शुभम, क्योंकि भाई अपने यहाँ पे मैं इंदौर की सारी बेस्ट लोकेशन आपको दिखाता हूँ मेरे चैनल पे। और आप इस मंदिर को एक बार ज़रूर विजिट करें, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको यहाँ पे आके।